ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस पिछले 40 वर्षों में पहली बार भारत आ रही है। इस कांग्रेस में करीब 3000 जैविक किसान, वैज्ञानिक, कृषि शोध एजेंसियां, भारत सरकार व राज्य सरकारों के संस्थान और 110 देशों से भी अधिक ज्यादा के पंजीकृत प्रतिभागी इस विशाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा करीब 40 देशों के ऑर्गेनिक ट्रेड मिशन इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। ये कांग्रेस मिट्टी, पौधों, पानी, जीव जंतुओं और मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि को बढ़ावा देने के देश के प्रयासों का एक नया अध्याय लिखेगी। जैविक किसानों द्वारा 150 फोटोग्राफिक पीपीटीज, जैविक कृषि पर 160 शोध पत्र और जैविक व्यवसायियों द्वारा 120 प्रस्तुतियां देखने को मिली। कांग्रेस की जानकारी देते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक क्लॉड अल्वारिस और खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निर्देशक उमेंद्र दत्त ने कहा कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस एक वैश्विक सम्मेलन है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि से संबंधित है। वैश्विक जैविक कृषि आंदोलन को सुदृढ़ बनाने और भारत की कृषि नीति को मजबूती से जैविक कृषि की दिशा में आगे बढ़ाने में ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस अहम भूमिका अदा करेगी। कृषि भाषी राज्यों में जैविक कृषि की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि कुंभ ये हो रहा है। दुनिया के 110 देशों के जैविक खेती करने वाले किसान और विशेषज्ञ वहाँ आने वाले हैं। पहली बार है कि किसान ही प्रेजेंटेशन देने वाले हैं किसान की भाषा में। 12 भाषाओं में इस पूरी गतिविधि का अनुवाद होगा। हर किसान अपनी मातृभाषा में बात करे इसका प्रबंध वहाँ किया गया है और जैविक खेती मां बोली से, मातृभाषा से भी जुड़ती है। बड़ी बात यह है कि 3000 से ज़्यादा लोग जो 110 देशों के आने वाले हैं, हम उनको शुद्ध भारतीय परंपरागत व्यंजन ही खिलाने वाले हैं जैविक खेती से उगाए हुए। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी इस कार्यक्रम में पार्टनर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये मुख्यतः आयोजित है और जो आईफॉर्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो इसका मुख्य कर्ता है।